सब मेरे को नहीं मालूम है। हाँ? उसको कैसे भी ढूंढ के निकल। गणपति बाप्पा अंकुश काका को किसी तरह आर्या से मिलवा देना। अगर मैं क्या के पास जाऊंगी तो कोई मुझे देख लेगा। अरे रुक, क्या कर रहा है बार? चल अंदर, होमवर्क कौन करेगा? चल। बेटा कहाँ हो तुम? सही। बेला एक मिनट, मैं अंकुश को फोन करके बुला लेता हूँ। जही को ढूंढने में आसानी होगी। सही? बाबा जही, 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 जही बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम घर से भाग क्यों आई? हम सब कितने परेशान हो गए थे पता है? क्यों परेशान हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आई, तुम्हारे लिए आर्या ने मुझे क्वेश्चन जीत दे दिया। मैं जीती नहीं हूँ, आर्या जानबूझ कर आ रही है। जैसे बेगर को भीख में देते वैसे मुझे प्राइस भीख में मिली है। चुप। गलत बोल रही हूँ मैं? सही, I'm sure तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बाबा आप जाइए, वो जही को ना अंकुश को लेकर कुछ थोड़ी अपसेट है जही। मैं उसे समझा के लाती हूँ, आप जाइए। एक मिनट बेला। जही बेटा क्या कहा तुमने? आर्या, आर्या ने क्या किया? जही बेटा ये तुम्हें किसने कहा? एक लवर ने कहा था कि मैं कॉन्टेस नहीं जीती हूँ, आर्या जानबूझ कर आ रही है। अगर सही है कॉम्पिटिशन हार गई ना आर्या तो सहन नहीं करेगी। मैं अपनी आय से अलग हुई हूँ और जाय को अपनी आय से कभी अलग नहीं होने दूंगी। लेकिन आर्या ऐसा क्यों करेगी? यहाँ रहने के लिए उसे कॉन्टेस्ट जीतना जरूरी था और वो ये जानती थी। फिर भी उसने आके कारण ऐसा किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेला, ने आर्या को हारने के लिए कहा? बेला है काय केलस तू? तुम्हें क्या किया बेला? ऐसा कैसे कर सकती हो तू? एक ही लक्ष्य, एक ही मंत्र, शत्रु पे जीत, शत्रु पे जीत, शत्रु पे जीत। कल आ जाएगा और सब संभालेगा। सत्य को सजा दिलाने के लिए आर्या का मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? शायद घर की उड़ गई होगी। बाबा आस पास ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
बाबा। रोना नहीं, हम जल्द मिलेंगे। ये तूने क्या कर दिया मेरे बच्चे? अपने गुरु का के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया तूने। एक बार अपने आजो बाबा के पास आ जाना, तेरे आजो बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। सत्या से बच के कोई भाग नहीं सकता। अरे रे पुलिस स्टेशन पहुंच गया हूं। हाँ, पहुंच गए। जी सर। ठीक है, उन सबको लॉक में रखो। सर, सत्या का कुछ पता लगा? नहीं, लेकिन सत्या इस बार बच नहीं पाएगा। सारे सबूत हमारे हाथ लग गए हैं, बस अब आर्या को ढूंढना है हमें। मुझे लगा वहां सुधार घर से भागी है तो घर की तरफ आई हुई, लेकिन अब तक यहाँ दिख नहीं रही है। मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, देखता हूँ। तुम ये काम करो ना, दो टुकड़ी बनाओ और सर्च में लग जाओ प्लीज। ओके सर। तो ले लिया, अभी किसके आशीर्वाद लेना? बाबा एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। बेला, मुझे कुछ नहीं सुनना। बाबा अंकुश, आर्या कहाँ है? कहाँ है वो बेटा? सत्या बच्चों के तस्कर का रैकेट चला रहा है,
सुधार करके नाम पर ये घिनौना धंधा कर रहा है वो। हमारी आर्या को वो विदेश भेजने वाला था। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ भटकती होगी। अब शांत हो जाइए आप और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बेला, बेला क्या हुआ है? मुझे नहीं पता था इतना सब। मुझे सोच में नहीं पता था बाबा। अंकुश में सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेला बता दो अंकुश को सगळं खरं खरं सांग। केला बेला क्या हुआ है? अंकुश वो आखिरी राउंड में सही जीती नहीं थी। आर्या ने उसे जिताया था। आर्या जानबूझकर हारी थी क्योंकि मैंने उसे हारने के लिए बोला था। एक मिनट, जाइए बेटा, चलो अंदर से। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों बेला? क्यों? मैं क्या करती हूं अंकुश? मैं डर गई थी। मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने से टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए के। आप कभी अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देखो। नहीं, नहीं रख सकता हूं मैं बेला। मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता हूं। मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। एक छोटी सी बच्ची को हराने के लिए षड्यंत्र? क्या कैसे, मतलब कैसे आया ये सब तुम्हारे दिमाग में बेला? सब आपकी वजह से अंकुश। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। तेरी बेटी रोती रही, बिलखती रही अपने बाबा के लिए, लेकिन आप कभी थे नहीं उसके पास। हमेशा आर्या के साथ थे। अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे ऊपर तोड़ने की कोशिश मत कीजिए अंकुश। नहीं, गलत है। मैं गलत नहीं था। मेरी कोई गलती नहीं थी, ना अब भी गलती है मेरी कोई। मैं ना थक गया था हाथ जोड़ जोड़ के ये कहते हुए तुमको कि प्लीज मेरी बात सुन लो। एक बार मेरी बात सुन लोगी, हमारी बात हो जाएगी तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तुम्हें गलत फहमी है मुझे लेकर या जो भी आर्या को लेकर। सब गलत था तुम्हारे दिमाग में। वो मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा था, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा था, घुटनों के बल तक चला गया कि तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन तुम मेरा इशारा समझ ही नहीं रही थी बेला। इतने साल का रिश्ता है हमारा, उसके बदले में मैं क्या चाह रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करो, थोड़ा वक्त दो। वो एक ऐसा राज था जो उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा था। तो तुम समझ क्यों नहीं रही थी कि कुछ तो होगा? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया तुमने? कुछ धोखा दिया आपने मुझे, मुझे हमारी शादी को, हमारी बेटी को। याद रखना बेला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, ना तुम्हें, ना हमारी शादी को, ना सई को। आपने सबके सामने कबूला था कि आर्या राज्यवत कर है। वो राज्यवत कर, लेकिन मेरी नहीं, सत्या की बेटी है वो। ऐसा हो नहीं सकता है, अब पॉसिबल ही नहीं है। तो कौला के पास जाना है, कौला बाबा के पास जाना है। मुझे जाने दो ना, मुझे क्यों पकड़ा? मैं तो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीती। मैंने क्या किया? अरे तू लड़की काय को पैदा हुई? हाँ, लड़का पैदा होने का था ना, ये किया है तूने। देव का कान के नीचे बस में बरोबर। यही वो रास्ता जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। आर्या सत्या और दामिनी की बेटी है। उसकी पहचान छिपाने के लिए, उसे सत्या से बचाने के लिए मैंने उसे अपने पास रखा था।
लेकिन अब पता नहीं कहाँ है वो बच्ची, तो कहीं घूम रही है, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि क्योंकि तुम्हें लगा था कि अगर जाई ये कॉम्पिटिशन हार जाएगी तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। अरे क्या बेटा, तुम ना ये सत्या और कस्तूरी ना वो तुम्हारे साथ चाल चल गए। जब से उस घर में रहने गई हो ना वो तुम्हारे कान भर रहे हैं, तुम्हें भड़का रहे, बहका रहे, और तुम उनके बहकाव में आके पता नहीं मुझे नहीं जानती हो। हमारा प्यार, हमारा विश्वास बाबा है, बाबा मुझे ऐसा कुछ करने देते क्या? इतना भरोसा नहीं कर पाई तुम मुझ पर, यही तो मांगा था ना मैंने, थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा भरोसा करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, कहा था कि नहीं मैंने? शक को सच्चाई पे हावी मत होने दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा ना मैं, बस थोड़ा वक्त और दे दो। जिस दिन आर्य की सच्चाई पता चलेगी ना तुम्हें बहुत पछताओगे तुम, और तुम कभी अपने आप को ना माफ नहीं कर पाओगे बेला। I'm sorry अंकुश, I'm really sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी अंकुश। क्या गलती बेला? वो सत्या ना खूनी है, उसने ऑलमोस्ट मेरी आंखों के सामने दामिनी बहिनी को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। मेरी वजह से दामिनी ने अपनी जिंदगी कमाई है। और आज शायद तुम्हारी वजह से आज अंकुश आर्या को कुछ नहीं होगा। हाँ आप और मैं जाके लेकर आएंगे उसे सुधार कर। जानते नहीं हो ये जो गिल्ट होता है ना, ये जो बोझ होता है ना, उसके साथ जीना क्या होता है ना, इस बात का तुम्हें एहसास नहीं है। सॉरी लेकिन ना मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मैं जीता हूँ उस बोझ के साथ रोज हर पल। दामिनी की मौत का बोझ है मेरे साथ, शायद जिंदगी भर रहेगा। अगर आर्या को कुछ हो गया ना मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ हम ले आएंगे उसे, हम दोनों जाकर ले आएंगे सुधार घर से। सत्या जानना चाहती हूँ ना सत्या की सच्चाई? हाँ सत्या, नीच तो तू पहले से ही था लेकिन अब तूने नीचता की सारी हदें पार कर दी। जानता है ना अपने देश में बच्चों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, बाल गोपाल राम लल्ला की पूजा होती है और बच्चियों को तो देवी माँ समझा जाता है। शर्म नहीं आती है तुझे? और तूने आर्य और बाकी बच्चों के साथ जो किया है या जो सोच रहा है ना उनके साथ करने के बारे में, उसके लिए मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। तेरे खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास, याद रखना। क्या उखाड़ा लेगा तू? और मेरे को यह बता ना, जब मैंने दामिनी को मारा तब क्या उखाड़ लिया तूने? तब तेरी पुलिस और तेरे को कोई सबूत मिले क्या मेरे खिलाफ? तो अभी ये जो बच्चे लोग हैं, इन लोग को एक बार मैंने यहाँ से वंटिस कर दिया तो फिर तुम्हारी पुलिस तो कुछ भी नहीं करने की ना? सबूत नहीं मिलने का, कुछ हाथ नहीं आने का। और अभी है ना ये सब फालतू बात है, इन सब को साइड में रख और ये वाला सुन। अभी आप जो आवाज सुनने वाले हैं वो सुनकर आपके दिल को बहुत संतुष्टि होगी, तो लीजिए सुनिए। ए, बोल रहे काय तरी? कल्ला तो छोड़ो मुझे। आर्या। कल्ला। हाँ आर्या 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 कहाँ हो तुम बेटा? ए सत्या सत्या देख आर्या को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ आर्या को छोड़ दे, मेरी बच्ची को छोड़ दे प्लीज। ए क्या तेरी बच्ची? हाँ? मेरी बच्ची है वो। समझ में आ रहा है क्या तेरे को? सत्या को पता नहीं है तो हार है उसके बेटे की कुछ उसे पता चल गया तो हमारे को सही करने छोड़ेगा। ये जो आर्य है ना ये अब हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी तरह हमें उसे सत्या से बचाना होगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.